लखनऊ से हैं ममता जी, स्वागत है आपका। हेलो, नमस्ते जी मैम। नमस्कार मैम। जी, मुझे हकीम साहब से बात करनी है। जी ममता जी, मैं हाजिर हूँ, बताइए क्या सवाल है। सर, मेरे ये हाथ में स्किन में जो है वो ऐसे दिखता काला काला सा हो गया है, ऐसे लगता है जैसे मैल हो, और वो बहुत धब्बे धब्बे से पड़े हुए हैं। मैंने अलग से दवा ली है तो उससे कुछ आराम है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि हकीम साहब से कोई अच्छी दवा ले लूँ जिससे कि घरेलू उपचार हो जाए। आँख के नीचे काले धब्बे हैं, उम्र बता दीजिए और अपनी। जी उम्र हमारी है 45। ठीक, लगातार 45। ये उम्र है, यहाँ हमारे जिस्म की रौनक, स्किन की रौनक और चेहरे की रौनक जाने लगती है। और बड़ा अच्छा नुस्खा है, देखिए, एक तो जिनको भी 45 की उम्र हो, 40 साल या 40-45 साल की उम्र हो, एक कैल्शियम की गोली या दो कैल्शियम गोली एक हफ्ते में ज़रूर खाया करें, और जब तक जीवन है जब तक खाया करें। इससे हमारे जिस्म की खुराक मिलती रहती है, तो ये खा लिया करें एक हफ्ते में एक या दो। मैं भी आज खा कर आया हूँ। ये जो बुढ़े आदमी का दमकता हुआ चेहरा आपको नज़र आ रहा है, तो अपना ख्याल रखने से ही होता है, तो ये ज़रूर खाया करें। फिर देखिए, गौंद मोरिंगा सफ़ेद, गौंद मोरिंगा सफ़ेद असली वाला 1 ग्राम रोज़ाना पानी में मिलाकर, दूध के साथ या नारियल पानी के साथ रोज़ाना बस 1 ग्राम एक खुराक लीजिए। आपके चेहरे की रंगत, आपके चेहरे की रौनक, आपके चेहरे का की सुंदरता और आपके चेहरे का ग्लो, आपके चेहरे की तमतमाहट, जैसे ऐसा आदमी लगने लगता है। रोज़ 1 ग्राम बस एक खुराक खाया करें। और आपके बालों की सुंदरता, आपके बालों की ग्रोथ होती है, इससे असली लेना ज़रूरी है, आपको फ़ायदा मुमकिन है। जी, अगले कॉलर हैं हमारे साथ पवन कुमार जी, होशियारपुर से, स्वागत है आपका। नमस्कार जी। नमस्कार सर। मैं मैडम होशियारपुर से बोल रहा हूँ। जी वो हमने मंगाया था जैतून का सिरका। जी जी पवन जैतून जी, का सिरका, हाँ जी, जैतून का सिरका मंगाया था। नमस्कार जी। जय हिंद, आगे बोलें, आप टीवी सुन रहे हैं पवन जी। हमने हमने जैतून का सिरका मंगाया था, तो वो जब घर वाले फैमिली पीते हैं तो गले में लगता है थोड़ा। ठीक, जब पिया करें सिरका तो उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला लिया करें, फिर पियेंगे तो उनको ये शिकायत नहीं होगी और धीरे धीरे उनके रोग में फायदा होना मुमकिन है। जी हकीम साहब, ऐसा है कि सिरका गले में भी लग जाता है, या उसकी हम क्वांटिटी ज़्यादा कर देते हैं इसलिए वो गले में लग जाता है। सिरके को अगर हल्का करना है, तेज़ होता है काफ़ी, जी जी असली सिरका लगता भी है, तो ज़्यादा पानी में मिला ले तो हल्का हो जाता है, जी और या उसमें एक चुटकी खाने का सोडा मिला ले तो अच्छा हो जाता है वो, जी या ये अदरक और लहसुन का जूस मिला ले बराबर का, तो सिरके की वो कैफियत थोड़ी बदल जाती है। जी लेकिन सिरका असली लें, केमिकल वाला ना लें, तब आपको फ़ायदा होना मुमकिन है। तो सर, आपके सवाल का जवाब आपको मिल गया है, तो आप जैतून के सिरके का इस्तेमाल वैसे ही कीजिएगा जैसे हकीम साहब ने बताया है। अगली कॉलर है पंजाब से, लता जी, स्वागत है आपका। मैडम जी नमस्कार। जी नमस्कार मैम। नमस्कार जी। नमस्कार दीदी। आदाब, जय हिंद, स्वागत लता जी का। वैसे तो क्वेश्चन तो कुछ है नहीं, वैसे बात करने को मन करता था, कल भी नहीं हुई, मैं कहा भाई के साथ बात तो कर ले लेकिन थोड़ा तेरे पूछ।
बस पूछना ये है कि अगर हम चिलगोजा का गोंद लें तो कितना टाइम लें, फिर 2 महीना 3 महीना कितना समय लें? ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका ये अंदाज के क्वेश्चन भी नहीं था और आपने फ़ोन किया। बहुत मुश्किल होता है फ़ोन करना, मुझे पता है, लेकिन आपकी मोहब्बत इन प्रोग्राम को चलाती है और कामयाब करती है। गौत चिलगोजा आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक 4 महीने तक तो लगातार ले सकते हैं, और फिर भी अगर वैसे तो इससे बीमारी बहुत तेज़ चीज़ है, ये असली लेना ज़रूरी है, और अपनी बीमारी के अनुसार इसको बढ़ा भी सकते हैं वक्त पूछकर और मशवरा लेकर इसको और ज़्यादा टाइम भी ले सकते हैं। बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। राजस्थान से हैं विमला गुप्ता जी, स्वागत है आपका। हाँ नमस्कार सर, मैं विमला गुप्ता बोल रही हूँ। जी विमला जी स्वागत। हाँ नमस्कार सर, मेरी उम्र 70 साल है। घुटने के दर्द के लिए ले रही हूँ। तो उससे मैंने 4 महीने तक तो दो छुट्टी दोनों टाइम लिया, आराम आया। लेकिन अभी मैं एक टाइम ले रही हूँ, मुझे आराम कम है और मेरे बहुत कम चले पहले आप सुन लो सारे। एक मेरे है ना पेट में 40-50 साल से गैस थी और गैस का गोला बनता था, मैंने आपका ये साथ मसाले वाला चूरन नमक जैसी भी के साथ लिया, तो मैंने 4 महीने से ले रही हूँ, अब मुझे आराम है। जी जी जी। तीसरा मुझे एलर्जी अस्थमा था करीब 50 साल से। मैं माजू नार केयर ले रही थी, उससे मुझे 60-70% आराम आया है। और चौथा है मेरे यूरिन में खुजली थी 10-15 साल से। मैं बीटा मैसिसोन दिन में 2-3 बार 4 बार लगाती थी, कुछ आराम नहीं आता था। आपका चिलगोजा लिया, एल केयर लिया, अलसी ली, सोडा लिया, नमक जैतून लिया, अब 4-5 दिन से आराम फील हो रहा है, 1 महीने से ले रही हूँ। बहुत धन्यवाद। और कोई सवाल है? अभी बहुत है थायराइड के लिए, मेरी थायराइड है 15-20 साल से, तो अभी मैं आज का ये थायराइड का चूरन है, धनिया, आंवला, मेथी और मोरंगा ले रही हूँ सुबह, थायराइड की गोली भी ले रही हूँ, इसमें भी आराम है। और एक मेरा डायबिटीज भी है, 300 रहती है खाने के बाद, तो खाने से पहले 190, अभी मैंने H1BC कराया, पहले 6.8 था, 5.8 आ गया है। बहुत अच्छा। लेकिन इससे मेरे गले में बहुत खुजली खांसी चल जाती है, शरीर में भी खुजली हो जाती है, पता नहीं क्यों रिएक्शन सा होता है, तो फिर मैं लहसुन अदरक की चटनी लेनी पड़ती। ठीक है ठीक है, शायद आपकी कॉल कट गई। और बहुत ही अच्छा लगा, देखिए कितने रोग एक शरीर में, कितने रोग, और भगवान का आप पे कितना एहसान कि मुझ जैसे नाचीज़ के मशवरे से तमाम रोगों में फ़ायदा है। अगर आप मेरी बात सुन रहे हैं तो याद रखें कि आपको भगवान की बड़ी कृपा है, सारे रोगों में फ़ायदा आपको, और वो भी मुझ नाचीज़ के मशवरे से, लेकिन आपका विश्वास मेरे मशवरे से भी ज़्यादा कीमती है। ये विश्वास कायम रखना ये बहुत मज़बूत चीज़ होती है, और नुस्खे जात लेते रहें जहाँ तक भी ज़रूरत पड़े, ये नुस्खे जहाँ तक भी ले सकते हैं ले लें। और शुगर कम तो हुई है आपकी, HbA1c भी कम आया है, धीरे धीरे फ़ायदा मुमकिन है, ज़रूरत पड़े तो गौन चिलगोजा लें 2 बार तो उससे कंट्रोल हो सकता है। पैदल ज़रूर चला करें, अगर नहीं चलते हैं तो पैदल ज़रूर चला करें, और गर्म पानी ज़रूर पिया करें। बहुत सारे रोग हैं ना, तो अभी थोड़ा इसमें कम फ़ायदा हो रहा, आगे जाके इसमें तेज़ी से फ़ायदा हो सकता है। और ये उपचार आप अपने तक मत रखना, सबको लिख के रखें, सबकी पहचान करें कैसे होते हैं असली दवाएं, और फैला दीजिए ये लोगों की सेवा का भाव से फैला दीजिए नुस्खे जहाँ तक भी आप में शक्ति है, आपके ख़ानदान में, आपकी फैमिली में, आपके दुश्मनों में भी कोई रोगी ना रहे, ऐसी सेवा करिए
क्या पता इस बात से हमारा भगवान हमसे राजी हो जाए। बहुत धन्यवाद आपका जी। तो विमला जी देखिए कितनी सारी बीमारियां मैम, इन्हीं सारी चीज़ों से तो हम आप सभी दर्शकों को बचाना चाहते हैं, और मैम आपने हर एक बात बहुत अच्छे से फॉलो की है, बहुत अच्छे से आपने नुस्खा अपनाया, और आपने देखिए संयम रखा, आपने बहुत जल्दबाजी नहीं दिखाई, तभी तो आपको राहत मिली। यही तो दर्शकों हम आप लोगों को कहना चाहते हैं कि नुस्खों का सेवन जब आप लोग करते हैं तो आपको फ़ायदा मिलना ही मिलना है, लेकिन खुद पर भरोसा होना बहुत ज़रूरी है। जल्दबाजी दिखाएंगे तो आप लोगों को लाभ नहीं मिलने वाला है। अगर आप इंतज़ार के साथ संयम रख के कुछ वक्त दे देते हैं नुस्खों को तो आपको लाभ मिल सकता है, एक नहीं बहुत सारी बीमारियों से। नुस्खा आप एक ही सुनते हैं दर्शकों, लेकिन आप लोगों को मैं यहाँ पे बताना चाहूँगी जो नुस्खा एक आपको हकीम साहब बताते हैं उसके असर बहुत सारे होते हैं, एक नहीं तमाम बीमारियों पे वो काम करता है। अगर आप भी दर्शकों हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं, रोग संबंधी सवाल के साथ साथ बेहतरीन कीमती नुस्खे जानना चाहते हैं, अनुभवी नुस्खे जो आपके घर घर तक पहुँचा रहे हैं हकीम साहब, तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। इतना कीमती वक्त निकाल के हकीम साहब सभी के साथ जुड़े हुए हैं, तो फोन उठाइए, इन नंबर्स पे कॉल कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन्स पे लगातार दिखाए जा रहे हैं। हकीम साहब, अगर कोई भी पेशेंट एलोपैथिक दवाई का इस्तेमाल कर रहा है बहुत सालों से, हम यहाँ पे एक दो साल की बात नहीं करेंगे, 15 साल या 20 साल से, तो जब तक डॉक्टर्स ना कहें तब तक वो दवाई नहीं छोड़नी है, अगर आपके नुस्खे से भी उनको फायदा मिल जाता है? देखिए ये पेशेंट का जो मिजाज है जी, वो चाहे मैं ही हूँ या आप हों जी, आपने देखा होगा कि बुखार आ गया आपको और आप डॉक्टर के पास गए और उसने 3 खुराक दी और आपने एक ही खाई और आपको फायदा हो गया। डॉक्टर ने कहा था 2-3 दिन इलाज करना जी, जी। आपने सिर्फ 1 खुराक खाई, 2 तो पड़ी रह गई और आप ठीक हो गए, ना तो आपने 2-3 दिन इलाज किया। ये पेशेंट का मिजाज है जी। तो यूनानी में ये नहीं चलता बिल्कुल, एलोपैथ में तो ये है कि वो दवा वक्ती फायदे की होती है, किसी को एक ही खुराक में फायदा हो गया, क्योंकि यूनानी जो है ये रोग की जड़ पर काम करते हैं, तो अक्सर इसमें ऐसा नहीं चलता, पूरा इलाज करके छोड़ा करें। 2-4 महीने इलाज करना क्या मुश्किल है, जब 2-4 साल से 10 साल से आप कोई दवा खा रहे हैं, फायदा नहीं हो रहा था, भगवान ने इससे आपको फ़ायदा दे दिया, तो अब हमारे मशवरे से आप इलाज बंद करें तो ज़्यादा बेहतरी होगी। बिल्कुल हकीम साहब, एक गांठों को लेके भी सवाल करना चाहूँगी। गांठें जो होती हैं हमने लोगों के अमूमन शरीरों पे देखी ही देखी हैं, उसका वो ऑपरेशन भी करा लेते हैं फिर से वही गांठ बन जाती है, तो ये गांठें ना ही बने इसके लिए भी नुस्खा हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है, यूनानी एक ऐसी पद्धति है जिसमें इलाज सब बीमारियों का वक्त पर कर ले। वो कल एक फोन भी आया था कि उसके उनके गांठें ही खत्म हो गई थी जी जी जी, तो वो नुस्खा उन्होंने क्या लिया था कि उसका कलौंजी का सिरका 2 चम्मच और 1 चुटकी खाने का सोडा उसमें डाल के दिन में 2 बार लेते थे वो, और उनके शरीर में गांठें बहुत थी, भगवान ने उनकी गांठें कहाँ गायब कर दी। वो कह रही थी कि कल फोन आया था किसी का कि मेरी गांठें कहाँ हैं, मैं ढूंढ रही हूँ, सारी गांठें गायब हो गई। तो ये यूनानी एक कुदरती इलाज है, थोड़ा संयम करें, इसको इलाज करें, फ़ायदा मुमकिन है जी। अगर आप क्वेरी करना चाहते हैं हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कीजिए। आप लोग हकीम साहब के यूट्यूब चैनल से भी दर्शकों जुड़ सकते हैं, यूट्यूब पे जाइए, टाइप कीजिए हकीम सुलेमान खान, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग असली नकली में पहचान कर सकते हैं जो हकीम साहब आपको बताते हैं रॉ मटेरियल, और साथ ही साथ डेली के एक नहीं दो नहीं बहुत सारे हजारों नुस्खे आप लोग देख सकते हैं, एक बार नहीं बार बार आप लोग देख सकते हैं। हकीम साहब, जब व्यक्ति को कोई भी बीमारी हो जाती है तो एक तो वो बहुत जल्दी घबरा जाता है कि हमें अरे ये बीमारी हो गई है, कहीं अब ये बहुत बढ़ ना जाए, उसके लिए क्या करता है, वो महंगी महंगी दवाइयाँ खाता है। और एक चीज़ हमने ज़रूर देखी है, जो दवाइयाँ होती हैं वो इतनी गर्म होती हैं, इतनी ज़्यादा गर्म होती हैं कि हमारी बीमारी तो एक है जिसके लिए हम दवाई खा रहे हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और बीमारी होने के लिए तैयार हो गई है, तो ऐसा क्यों? देखिए चलन हुआ 100 साल पहले तकरीबन एलोपैथिक इलाज का जी,
और इसने तमाम जो तरीका इलाज थे आयुर्वेद यूनानी और दूसरी पैथिया जितनी भी थी इसने सबको पीछे छोड़ दिया जी। दर्द हुआ एक गोली खाई दर्द गायब जी। कुछ भी हुआ एक गोली खाई सब गायब। लोग इससे इतने इम्प्रेस हुए और हम लोग भी हुए कि यार ये तो बहुत अच्छी दवाएं हैं। लेकिन फिर जब ये पाया कि ये बड़े ईमानदार लोग हैं एलोपैथ वाले काफ़ी ईमानदार लोग भी हैं और बहुत मेहनती भी हैं हम लोगों से ज़्यादा मेहनत करते हैं और कोशिश में लगे ही रहते हैं इनकी कोशिश कभी ख़त्म नहीं होती है। ये लोग हमसे बहुत आगे हैं। मैं हमेशा तारीफ करता हूँ एलोपैथ की लेकिन एक दो चीज़ों में ये हमसे पीछे हैं बाकी सब चीज़ों में ये आगे हैं। एक तो साइड इफ़ेक्ट में इसके साइड इफ़ेक्ट बहुत है जब और ये बताते भी हैं कि भाई इस दवा का ये साइड इफ़ेक्ट है और कोई दवा ऐसी है ही नहीं जिसका साइड इफ़ेक्ट ना हो। एलोपैथ में ये कबूल भी करते हैं हम भी कबूल करते हैं तो सच बोलते हैं ये भी अच्छा है कि सच बोलते हैं। तो फिर यही तय हुआ कि जब आपको अर्जेंट किसी बीमारी में फ़ायदे की ज़रूरत हो तो मुझे भी और आपको भी वो इलाज ले लेना चाहिए। ये वक्ती बीमारी को फ़ायदा पहुंचाने की सबसे तेज़ असर और कामयाब दवा है। लेकिन दर्द है बर्दाश्त नहीं हो रहा बच्चा तड़प रहा है बाप तड़प रहा है उससे ज़्यादा माँ तड़प रही है बहनें परेशान हैं दर्द ठीक नहीं हो रहा एलोपैथ ले लिया करो फ़ायदा हो गया। अब फिर नहीं हो तो कोई बात नहीं हफ्ता 15 दिन दवा ले सकते हैं। ये इससे ज़्यादा लेते हैं तो फिर नुकसान होने लगते हैं तो फिर यूनानी साथ में ले लें जो थोड़ी देर में फ़ायदा करती है। लेकिन यूनानी बदनाम है कि फ़ायदा देर में करती है 2-4-5 महीने इलाज कितना मुश्किल है। जब आप 10 साल से एलोपैथिक इलाज ले रहे हैं तो यूनानी तो 2-4 महीने लेना कोई वो नहीं है। लेकिन इससे क्योंकि कुदरती तौर पर ये रॉ मटेरियल आपको बताए जाते हैं तो ये आपको धीरे धीरे फ़ायदा करते हैं। इन्हीं को अगर कुदरती चीज़ों को हम एस्टेक निकाल कर आपको दें तो ये फौरन फ़ायदा करते हैं। और बेशतर दवाइयाँ यूनानी से ही बनती हैं इसमें एलोपैथ में लेकिन वो इतना तेज़ असर कर देते हैं कि वो फ़ायदा तो जल्दी करती है लेकिन नुकसान भी छोड़ने लगती है। काफ़ी दवाइयाँ ऐसी हैं मैं नाम नहीं बताऊँगा आप सर्च कर देंगे तो आपको सब पता चल जाएगा। लेकिन हम उसको दवा को उसी सूरत में कच्ची सूरत में आप तक पहुंचाते हैं इसलिए आपको इस दवा से थोड़ा सा देर से फ़ायदा और नुकसान 0% होते हैं।